अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फूड के लिए विद इरम। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, हमारी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं और यही हौसला है और यही चीज़ें हमें हौसला दे रही हैं कि हम आपके सामने नई नई रेसिपीज को लेकर आते हैं। आज भी हम आपके सामने एक बहुत लजीज से तारू जब्बा के चपली कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं। तारू जब्बा बेसिकली एक विलेज है पिशावर सिटी से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और वहाँ के चपली कबाब बहुत ज्यादा मशहूर हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं ये चपली कबाब। आज हम आपको वही रेसिपी सिखाएंगे, लेकिन एज यूजुअल जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, उस रेसिपी की तरफ जाने से पहले हम कुछ उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम 64 ग्राम्स का एक चपली कबाब खाते हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट जो है 2.5 ग्राम होता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे पास 25 मिलीग्राम होता है, सोडियम 290 मिलीग्राम्स होता है, प्रोटीन आपके पास 9 ग्राम्स होता है, कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम होता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्पेशली फॉर द वुमेन्स के बहुत ज्यादा जो परेशान रहती हैं, अगर हम 64 ग्राम्स का एक चपली कबाब खाएंगे तो उसमें 120 कैलोरीज होती हैं। लेकिन परेशान नहीं हो, लाजमी तो लजीज चीजें खानी तो है हमें, लेकिन थोड़ा सा फिर हमें उसके लिए अपनी उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए वर्कआउट करना पड़ता है, सही है? तो खाइए जरूर, लेकिन उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए वर्कआउट कीजिए। चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी का आगाज करते हैं, सबसे पहले इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। ये देखिए, मैंने बीफ का 1/2 kg कीमा लिया है, 2 टमाटर हैं, इस साइज के 2 टमाटर हैं, पील ऑफ कर लीजिएगा, और 2 टेबलस्पून धनिया है और कुटी हुई लाल मिर्च है हसबे जायका, 1 टेबलस्पून जीरा है, सौंफ 1 टेबलस्पून है, इस साइज की प्याज आप लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से चॉप करके और उसका पानी किसी मलमल के कपड़े में डाल के इसका प्याज का पानी निकाल लीजिएगा पूरा, वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होता है, पानी निकाले बगैर नहीं कीजिएगा। फिर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का लिया हुआ है, 4 टेबलस्पून मकई का आटा ले लीजिए, अगर मकई का आटा नहीं है तो बेसन यूज कर लीजिएगा, नमक अपने जायके के मुताबिक लीजिएगा, 1 नींबू का रस लीजिएगा और अनारदाना मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून लिया, लेकिन इसकी कोई मिकदार नहीं होती, आप अपनी मर्जी से ये यूज कीजिएगा इस साइज की, और यही इतनी ही मोटी मिर्च लीजिएगा, बहुत बारीक वाली मिर्च नहीं लीजिएगा, बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। ये मैंने 2 मिर्चें ली और बारीक से इसको जो है काट लिया है। 1/2 kg में 1 एग जो है काफी होता है, लेकिन मैं अमूमन जब घर में बनाती हूँ तो मैं 1/2 kg में 1 अंडा नहीं डालती, लेकिन इनफ होता है, 1 अंडा डालें काफी है, लेकिन मैं 2 अंडे डालती हूँ, अच्छा जरा टेस्ट आता है। और आप देखेंगे अंडे मैंने जरा से इसको इस तरह से फ्राई किया है, ये देखिए सही है, थोड़ा सा कच्चा रहने दीजिएगा अंडा, ये डालेंगे। अब आ जाइए हम इसकी रेसिपी की तरफ चल, देखिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/2 kg कीमे को किसी भी बर्तन में तसले में आप ऐसे फैला लीजिएगा, और मकई का आटा मैंने आपको 4 टेबलस्पून बताया था, 4 टेबलस्पून आप इसमें मकई का आटा डालेंगे और उसके साथ ही प्याज जो आपको दी गई है ये वाली प्याज आप डाल के, आप देखिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल खुश प्याज है, अच्छी तरह ये बाइंड होती है, इसलिए मैंने इसका पानी सब निकाला हुआ है। और इसका सबसे अहम चपली कबाब बनाने का तरीका ही यही है कि आप बहुत अच्छे से इसको, जब आप ये डाल लें इसमें मकई का आटा डालें तो इसको बहुत अच्छा मैश करें, एटलीस्ट 5 to 8 मिनट्स सिर्फ आपने इसको बहुत अच्छे से मैश करना है, बाकी मसाले इसमें बाद में डालेंगे। तो मैं इसको 5 मिनट्स तक बहुत अच्छे से मैश करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या हम मसाले इसमें मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए 5 मिनट्स हो गए और मैं इसको अच्छी तरह से जो है ये कह लीजिए कि इसको गूंद लीजिए आप इसको बहुत, और इसका चपली कबाब का अच्छा बनने का सबसे ज़्यादा इसी पे डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छी तरह से जो है गूंदते रहिए, सही है? और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे।
ये सब आपको मैंने बताया था कि कितना डालना है, पहले ये सब आप इसमें डाल दीजिए। लेमन है, अदरक लहसुन है, टमाटर है, अंडे हैं, सही है। तमाम चीजें आप कर लीजिए, उसके बाद हम मिक्स करेंगे। मिर्चे हैं, अनारदाना है और नमक है। सारी तमाम चीजें आपने डाली। अब आप इसको अच्छे तरह से आपने क्या करना है, मिक्स करना है और बहुत काफी देर तक आप इसको मिक्स करेंगे। ये मैं आपको मिक्स करके बता रही हूँ। और व्यूवर्स एक और बात कि चपली कबाब मेरे हस्बैंड की जो है मोस्ट फेवरेट डिश है। मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद हैं चपली कबाब। आप लोग भी बना के देखिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। अब मैं आपको ये मिक्स करके फ्राई करके बताऊंगी। ये देखिए, मैंने तमाम मसाले सब लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। और यही मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप यह है कि इसको बहुत अच्छे से जो है गूंदा जाए या बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की जाए तो ये बहुत अच्छे से बनते हैं। और हर चीज़ इसमें लिमिट से है। हाँ, अगर किसी से ये कहें कि ना संभलें जो फर्स्ट टाइम बना रहे हूँ, तो उनके लिए एक छोटी सी टिप यह है कि वो थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लें। लेकिन जो अभी हमने चीजें मिलाई हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है सही रेशो से इसमें मिक्स की हुई हैं, सही है। अब आइए मैं आपको इसके चपली कबाब बना के बताती हूँ। थोड़ा सा हाथ में जो है बिल्कुल ठंडा पानी लगाइएगा, उसके बाद जो है इसको बनाइएगा। आपकी मर्जी है, बड़ा बनाए छोटा बनाए, जिस तरह भी बनाना चाहें आप उसी तरीके से कीजिएगा। अपने हाथ पे हल्का हल्का पानी लगा के, ताकि ये टूटे ना, सही है। और बना के देखिएगा जरूर। मेरे हस्बैंड तो मेरे हाथ के बहुत पसंद करते हैं। अब आप लोगों को पता नहीं पसंद आए ना आए, लेकिन गारंटी तो यही है कि बहुत अच्छे बनते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, बड़े इन चीज़ों में कॉन्शियस हैं कि उनको तमाम चीज़ें बड़ी अच्छे रेशो के साथ और होनी चाहिए ना, बिल्कुल भी कम ज़्यादा कोई चीज़ ना हो ना। बना के देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको डालने के बाद प्रेस कर दीजिएगा। जब ये एक साइड से अच्छे तरह से ब्राउन हो जाए तो फिर उसको जो है टर्न कीजिएगा। एकदम से टर्न नहीं कीजिएगा और फ्लेम का खास ख्याल रखिएगा। फ्लेम बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखिएगा, क्योंकि कीमा तो लाजमी सी बात है कच्चा है तो थोड़ा टाइम लेता है पकने में, सही है। तो फ्लेम जो है लो रखिएगा। अभी मैं आपको इसको जरा सा हो जाएगी तो फिर मैं आपको इसको टर्न करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इसको मैं आपके सामने टर्न करती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ब्राउन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कीजिएगा, बहुत हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा। एकदम से जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा और फिर वो टेस्ट नहीं रहेगा। अब इसको जो है इधर से अच्छी तरह से हम सेकंड साइड से पकने देते हैं। और ये भी एक टिप है कि आप बार बार उलट पुलट नहीं कीजिएगा। एक साइड से जैसे देखें, एक दफ़ा में ही मैंने अंदाजे से कि हाँ इतनी देर में ये ब्राउन हो जाएगा, फिर मैंने इसको सेकंड साइड पे टर्न किया था। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बताऊँ। बस ये फाइनल लुक है तारू जब्बा के फेमस चपली कबाब की। और यकीन कीजिए, बहुत सुपर डिलीशियस कहा जाए तो गलत ना होगा। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद हैं ये, और अगर उन्हें पसंद है तो इट्स मीन कि वो तो बहुत ही हर रेशो से उन्हें चीज़ चाहिए होती है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ खा लें, बहुत अच्छे लगते हैं।
और दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।